वालेकुम व्यूअर्स आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक नेटवर्क स्टैंडर्ड पे है तो चलिए नेटवर्क स्टैंडर्ड को डिस्कस करते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या हैं ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट नेटवर्क बीइंग डिजाइनड मतलब ये है कि कोई भी जो नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है उसकी टेक्निकल कन्फिग्रेशन और फिजिकल स्पेसिफिकेशन क्या है वो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के पर बेस करती हैं यानी नेटवर्क स्टैंडर्ड जो हैं वो आपके पास एक नेटवर्क बेंच मार्क है जो कि रिकग्नाइज भी होते हैं ऑफिशियल भी होते हैं और पब्लिकली एक्सेप्टेड भी होते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड डिफाइन द रूल्स फॉर डेटा कम्यूनिकेशन यानी कि डाटा कम्युनिकेशन या टू नोड्स आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन कैसे सेंड हो रही है ये सारे रूल्स जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट में डिफाइन होते हैं फर्दर ये क्या करते हैं हेल्प इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ओपन मार्केट्स एंड अलाउ डिफरेंट वेंडर्स टू कम्पीट बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट ओपन मार्केट में जैसा कि आपको पता है कि बहुत से वेंडर्स जो हैं यानी बहुत से सॉफ्टवेयर क्रिएटर या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपने सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराते हैं या बनाते हैं तो उनके दरमियान जो कंपटीशन है उसको मेंटेन कैसे करते हैं स्टैंडर्ड की बेस पे यानी कि एक बेंच मार्ग या एक आपको जैसे लाइक like ब्रांड होता है तो लोकल जो मार्केट है उसको उसके साथ कंपेयर करना पड़ता है या मुस्तली ब्रांड्स का आपस में कंपटीशन होता है सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन या, पब्लिक जो है वो कुछ स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर देती है ताकि एक कंपटीशन जो है वेंडर्स के दरमियान रहे तो इसकी टाइप्स टाइप्स हैं टू ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं डी फैक्टो स्टैंडर्ड एंड डी जोड़े स्टैंडर्ड सबसे पहले हम देखते हैं कि डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं दी स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विद आउट एनी फॉर्मल प्लानिंग यानी कि ये ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जो कि लोकली भी हो सकते हैं कोई सिंगल पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री कोई भी जो है डीफेक्टो स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन कर सकता है या डेवलप कर सकता है सेकंड दे हैव इवॉल्व टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ वाइड पब्लिक स्पोर्ट एंड मार्केट फोर्सेस सेकंड बात ये है कि ये जो है वो जब डेवलप होते हैं तो इतने पॉपुलर नहीं होते बट जब इनको पब्लिक जो है एक्सेप्टेंस मिल जाती है ये पॉपुलर हो जाते हैं तो ये भी एक बेंच या रूल बन जाता है डिफरेंट डिवेलपर्स के लिए कि वो जब नई डेवलपमेंट करें तो इसको जो है वो मद्देनजर रखें यानी कि ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा बेस कर रहे होते हैं उनको चेंजिंग उनमें थोड़ी सी चेंजिंग ला के इनको जो है वो डेवलप कर लिया जाता है और जब इन्हीं स्टैंडर्ड को कोई इंडस्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर लेती है या इनको अपना लेती है तो यही स्टैंडर्ड जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं यानी कि स्टार्टिंग में ये ऑफिशियल नहीं होते यानी कि वैसे लोकली लाइक like मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ कि आप जो है ट्राई कर सकते हैं एक न्यू ऑडियो फाइल फॉर्मेट इन प्लेस ऑफ एम आप देखते हैं कि एम जो है वो वाइडली यूज़ हो रहा है ऑडियो फाइल्स के लिए तो आप एक नया स्टैंडर्ड बना लें जो इसको एम को फॉयल फा, फा, फॉर्मेट को रिप्लेस कर दें और वो इतना फेमस हो जाए कि पब्लिक उसको एक्सेप्ट करे तो वो एक फैक्टो स्टैंडर्ड बन जाएगा अनदर एग्जांपल एग्जाम्पल क्या आप एक ऐसा इन्वेंट करें इंटरनेट मार्कअप लैंग्वेज टू रिप्लेस एच तो आपने जो है वो फैक्टो स्टैंडर्ड जो है वो एक क्रिएट कर दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्जाम्पल जो है आपके पास है वो है क्वाल्टी की बोर्ड आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर का जो की बोर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है बल्कि वो डी डीफेक्टोर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है यानी कि ये बहुत फेमस है और यही यूज़ हो रहा है इसका कोई ख़ास बेसिक जो है वो प्रॉपर डिज़ाइन डिज़ाइन नहीं है एक बंदे ने इसको डिज़ाइन किया और वो बहुत पॉपुलर और पब्लिक एक्सेप्टेंस मिली और जिस वजह से वो डोमिनेट हो गया यानी कि अचीव्ड अ डोमिनेंट पोजिशन बाय पब्लिक एक्सेप्टेंस और मार्केट फोर्स एक अदर एग्जांपल मैं आपको दूं इसकी वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो डी फैक्टो स्टैंडर्ड है से टाइप है डिशोरेज स्टैंडर्ड्स ये ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन होते हैं और प्रॉपर रिसर्च को मद्देनजर रखते हुए रिक्वायरमेंट के तहत जो है डाटा कम्युनिकेशन ये डिवेलप किए जाते हैं लाइक like आपका आज की सेट एज़ यू नो आज की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो ये क्या करता है ये रिप्रजेंट करता है टेक्स्ट को कंप्यूटर में अदर टेली कम्यूनिकेशन डिवाइसिस में डिजिटल डिवाइस में लाइक like जो भी आप टेक्स इंटर करते हैं तो वो कम्प्यूटर भी आज की फॉर्मेट में जो है वो शो होता है ये अप्रूव बाय फॉर्मल अथॉरिटीज और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ये जो है प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट और प्लानिंग के साथ होते हैं तो ये अप्रूव इनको अप्रूव करवाया जाता है ठीक है तो कौन अप्रूव करता है दुनिया में डिफरेंट ऑर्गनाइजेशन हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो कि ये स्टैंडर्ड को रिकॉग्नाइज करती हैं तो देखते हैं ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है फर्स्ट है जी आई टी यू इंटरनेशनल टेली यूनियन ये यूएन की एजेंसी है जिनेवा बेस्ड ये क्या करती है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग स्टैंडर्ड फॉर टेलीफोन टेलीग्राफ एंड डाटा कम्युनिकेशन यानी इन तीन कामों के लिए ये जो है वो स्टैंडर्ड सेट करती हैं या प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करती है नेक्स्ट आपके पास है आई ट्रिपल ई वेरी फेमस हम अक्सर जो है वो लैंड नेटवर्क में ये वर्ड सुनते भी हैं तो ये स्टैंड्स फॉर है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ये ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करती है जो कि लैंड टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं फॉर एग्जांपल इधरनेट टेक्नोलॉजी जो कि हम लैन नेटवर्क में यूज़ करते हैं टोकन रिंग टोकन बस और इसको डिफरेंट नेम भी दिए हुए हैं लाइक जैसे आई ट्रिपल ई एट जीरो टू पॉइंट थ्री भी हम इधरनेट को कहते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि लैन टेक्नोलॉजी आई ट्रिपल ई एट जीरो टू पॉइंट फाइव टोकन रिंग तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट स्टैंडर्ड या रूल जो हैं वो स्पेसिफाई करती हैं नेक्स्ट है आई एस ओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये भी जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है टेली में और डाटा कम्युनिकेशन में इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है बट एज ए एग्जाम्पल मैंने इन तीन जो वेरी फेमस हैं उनको मैंने यहाँ पे कोड किया है आई होप कि ये वीडियो आपको इजी लगी होगी आपने नेटवर्क स्टैंडर्ड को कंसेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा नेक्स्ट वीडियो इन शह नेटवर्क प्रोटोकॉल उनके फंक्शन पे होगी Thanks for your time, stay blessed, stay tuned, and subscribe this channel. Allah Hafiz.